नमस्ते बंधुओं, जय श्री कृष्ण, शुभ दिवाली। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली पवित्रता का त्यौहार है, दिवाली वैश्य त्यौहार है। वैश्य का अर्थ होता है जिनके पास में धन है, उनका त्यौहार है, पर्व है, क्योंकि दिवाली में सब त्योहारों से अधिक खर्चा होता है। दिवाली में साफ सफाई होती है, खर्चा लगता है, सामान आते हैं, नए वस्त्र आते हैं, नए बर्तन आते हैं, नई पूजा आती है, नए कपड़े आते हैं, ये सब चीज में खर्चा लगता है, इसलिए इसको वैश्य त्यौहार कहा है। वैसे किसी भी त्यौहार पर किसी का निजी कब्जा नहीं है, सब त्यौहार सबके लिए है, प्रत्येक मानव समाज इस त्यौहार का आनंद ले सकते हैं। दिवाली में पूजा कैसे करें? दिवाली में हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो है वो अन्य श्रेष्ठ त्यौहार के रूप में से मनाते आए। लगभग राम जी के इतिहास से दिवाली का त्यौहार का परंपरा जुड़ी हुई है। उससे पहले इसका अन्य श्रेष्ठ त्यौहार नाम है, यानी कि हमारे यहाँ दो फसल होती थी पहले पुराने जमाने में, जब साधन नहीं थे तो दो फसल में रबी और खरीफ की फसल होती थी। एक फसल को हम होली पे काटते हैं तब हम उसका प्रसाद बनाते थे, एक फसल हम दिवाली में काटते हैं, दिवाली में हम चावल आदि धान आदि काटते हैं, और दिवाली में हम बाजरा मूंग आदि काटते हैं, दिवाली में हम जो है मक्का आदि काटते हैं, तो हम इसी का प्रसाद बांटते हैं। तो आपको पता ही होगा दीपावली में क्या प्रसाद मिलता है। अब मिठाइयाँ बढ़ती हैं, ये सब आर्टिफिशियल सिस्टम है, इसकी परंपरा हमारे यहाँ है नहीं, ये परंपरा बनाई हुई है, पर हमारी वैज्ञानिक जो परंपरा है वो है अन्न बंटवारा। जैसे मान लीजिए हम मुरमुरे बोलते हैं, चावल से बनते हैं, चावल के फूले को बोलते हैं, जैसे खील बतासे बांटते हैं, और ये योजना हमारे यहाँ पुरानी है, क्योंकि जो उपस्थित होता है वही बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। तो हमारे यहाँ धन के रूप में वेदों में लक्ष्मी को माना गया है, बाकी रुपया पैसा सोना चांदी ये लक्ष्मी का रूप नहीं माना गया है। हमारे यहाँ अन्न को लक्ष्मी का दर्जा वेदों में भगवान ब्रह्मा ने दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ अन्न का जब आगमन होता है तो हमारे घर धन आता है, खुशी आती है, उसमें हम और खुशियों में हम जो है प्रसन्न होते हैं, अपने घर को लीपते हैं, पोतते हैं, साफ सुथरा करते हैं, क्योंकि 4 महीने बारिश में हमारा घर खराब हो जाता है तो हम उसे स्वच्छ निर्मल करते हैं। और दीपावली में सबसे प्राचीन से प्राचीन अगर कोई परंपरा दिवाली को मनाने की, वो है यज्ञ करना। आप अपने घर में अगर जड़ी बूटियों से यज्ञ करते हैं तो ये होगी प्राचीन परंपरा दीपावली की, ऋषि मुनियों की। और इसके अलावा आप यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो मानो दीपक जलाते हैं, दीपक भी यज्ञ का ही रूप है, तो आप उस तरह भी दीपावली का आनंद ले सकते हैं। घी के शुद्ध दिए, मिट्टी के दिए आप अपने घर के चारों ओर और ज्यादातर घर के ऊपर जहाँ खुला आकाश है वहां पर अगर हम दिए जलाते हैं घी के, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हाइड्रोजन बढ़ता है, उससे हमारी प्रकृति अच्छी होती है और हमारे घर का आभा मंडल जो है वो शुद्ध होता है, और हमारे घर में सबके अंदर लक्ष्मी देने वाली, ज्ञान देने वाली बुद्धि का संचार होता है। भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी का पूजन दिवाली को होता है। तो आप जानते हैं देवों में आदि गणेश बुद्धि के दायक हैं, सिद्धि के दायक हैं, और उनके साथ लक्ष्मी माता का विशेष पूजन होता है। तो आप अपने घर में विसर्जन करने वाली भी मूर्तियां ला सकते हैं, उस तरह लोग लाते हैं, और नहीं तो आपके घर में जो मूर्तियां परमानेंट हैं आप उन्हीं को स्नान कराइए, उन्हीं को शुद्ध कपड़े पर रखिए और आप उन्हीं को पूजा कीजिए। मैं मान्यता रखता हूं कि आपके घर में रोज जो गणेश पूजते हैं, जो लक्ष्मी है, आप उन्हीं की ही पूजा करें, और उन्हीं को पूजा करके आप उन्हीं मंदिरों में रखें जहां पर आप रोज पूजा करते हैं, तो आपको लक्ष्मी पूजन का, दीपावली पूजन का पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। पूजा कैसे करें, अब सवाल यह है, तो पूजा करने की विधि यह है कि आप चौकी लेवे, चौरंग लेवे, पाटा लेवे, उसके ऊपर कोई कपड़ा, यानी कि लाल कपड़ा ज्यादा विशेष माना गया लक्ष्मी पूजन में, तो आप वो कपड़ा लेवे लक्ष्मी पूजन का, एक मुट्ठी चावल या गेहूं रखें, एक तरफ भगवान गणेश रखें, एक तरफ माता लक्ष्मी रखें, और उस पूजा विधि में आप जुड़े रहें। पूजा करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको किसी भी प्रकार का भोग लगाते हैं, केवल हम खट्टा भोग नहीं लगाते, केवल हम मिर्ची का भोग नहीं लगाते, और उनको आप अन्न चढ़ा सकते हैं, प्रसाद में खीर पूरी आदि का भोग लगा सकते हैं, मिष्ठान को भी चढ़ा सकते हैं, और आप 5 फल जरूर अर्पण करें और 1 कमल का फूल जरूर अर्पण करें, भगवान श्री गणेश को दुर्वा जरूर अर्पण करें, और आप देखेंगे किस तरह की पूजा करके आपको लाभ होगा। पूजा करने की विधि पद्धति सबको तो नहीं आती, सब तो पंडित आचार्य नहीं होते, इसलिए हम सारे लोग पूजा करते हैं, पढ़ा अनपढ़ा सब लोग पूजा करते हैं गणेश की, और सबको भावनात्मक फल भी प्राप्त होता है। इसीलिए आपको चाहिए कि भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी को आप भाव से और विधि से भी पूजें। तो मैंने आपको उस तरह की विधि बताई है, उसमें बहुत सारे मंत्रों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर कोई मंत्र नहीं आते हैं तो आप गम गणपते नमः करके आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं।
हर चीज में वो मंत्र बोल सकते हैं, वो बीज मंत्र है उनका। और श्री माता लक्ष्मी के लिए आपको कुछ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो श्री महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः करके आप कोई भी भोजन, कोई फूल, कोई पल्लव चढ़ा सकते हैं, कंकु चावल रोटी लगा सकते हैं। और आप उनकी आरती के रूप में, अगर आपको आरती आती नहीं और आपके पास आरती नहीं है तो आप आरती के रूप में भी यही कर सकते हैं, श्री गंगणपतये नमो नमः, गंगणपतये नमो नमः, श्री लक्ष्मी नमो नमः, महालक्ष्मी नमो नमः, सिद्धि नमो नमः, रुद्धि नमो नमः, गौरी नमो नमः, इस तरह के किसी भी मंत्र का जाप करके भी आप आरती दिखा सकते हैं। अगर आपको आरती आए तो उनकी स्तुति गाएं, उनकी प्रशंसा करें, आरती में उनके गुणों को गाया जाता है। तो आप इस तरह भी विधि का पूजन कर सकते हैं। जो लोग पूजा करना जानते ही नहीं है पर पूछते हैं तो उनको इस तरह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप इस तरह पूजा करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और कोशिश कीजिए कि ज्यादा पटाखों से, आतिशबाजी से बचें और दीपावली को प्रसन्नता के साथ परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ साझा करें और मिलकर करें। और दुश्मनी को बुलाने का त्यौहार है और सब मिलकर के खुशियों का त्यौहार मनाएं। सब संप्रदाय, सभी वर्ण एक जगह होकर के इस देश को लक्ष्मी और गणेश का द्योतक बनाएं, मूल बनाएं और सब प्रसन्न। जय श्री कृष्ण।